हेलो एवरीवन, धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दोस्तों, जैसे कि आज से शुरू हो जाती है लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा, आज धनतेरस है, तो हम सभी जानते हैं कि प्रथम पूज्य गणपति जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो आज हम लगाएंगे बेसन के लड्डू का भोग। तो आपको मैं बताऊंगी सही मेजरमेंट के साथ और कितने समय पकाना है बेसन के लड्डू बनाना। बेसन और ड्राई फ्रूट से हम ये लड्डू तैयार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने भारी तले की एक कढ़ाई ली है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो वो इससे भी ज़्यादा बेस्ट है, थोड़ी कढ़ाई हैवी होनी चाहिए। इसको मैंने गर्म होने रख दिया। अब हम इसमें 3-4 टेबल स्पून घी डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें भून लेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। देखिए हमारा घी लगभग मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें मखाने डाल देंगे। पहले घी को अच्छे से गर्म होने दें, तभी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करें जो भी आपको इसमें रोस्ट करने हैं। ये यहाँ पर 50 ग्राम मक्खन लिए हैं मैंने, पहले इन्हें भून लेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इनकी क्वांटिटी, जितने भी आपको भूने हैं। ये मैं थोड़े से ज़्यादा भून रही हूँ, लेकिन मैं इतने मखाने का इसमें यूज नहीं करूँगी। इसको हम मीडियम टू लो पे ही रखेंगे गैस को, और अच्छा क्रिस्पी होने तक 4-5 मिनट तक के लिए इसी तरह चलाते हुए रोस्ट करेंगे। हम एक दो मखाने को हाथ से दबा कर देख लेंगे, ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं, हाथ से ही टूट जाते हैं। बस इसी तरह से थोड़ा सा कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है एकदम सुनहरा तरह से। बस ये हमारे बन चुके हैं, हम इसको वापस से बाउल में निकाल लेंगे। हम सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालकर अपने बादाम भी रोस्ट कर लेंगे। इनको एकदम सेम आंच पे ही रोस्ट करना है, देखिए इस तरह से, बस 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसकी सीलन चली जाए, थोड़े अच्छे क्रिस्पी से हो जाएं ये भी। हमारे बादाम भी रोस्ट हो गए हैं, इनको भी मैंने निकाल लिया है। अभी हमारी कढ़ाई में थोड़ा इसका घी का रंग खराब सा हो गया है, तो हम इसको हटाकर दोबारा से कढ़ाई को साफ कर लेंगे, या तो किसी टिश्यू पेपर से पोंछकर या धोकर, जैसे भी आपको करना है। देखिए मैंने वापस से वही कढ़ाई ली है। अब हम यहाँ पर लगभग 200 ग्राम घी डालेंगे, इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हम 300 ग्राम बेसन के लड्डू बनाएंगे। अगर घी थोड़ा सा कम भी रह जाएगा तो दोस्तों बाद में भी ऐड किया जा सकता है, उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें। अभी हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये मेरे पास छना हुआ बेसन है 300 ग्राम। अब हम इसको डाल देंगे इसमें। बेसन को हमेशा छान कर ही डालें, उससे क्या है थोड़ा इसमें लाइट सा हो जाता है, बेसन अच्छा रहता है ऐसा करने से, और अगर कुछ कचरा वगैरह होता है वो भी निकल जाता है। अब देखिए इसे इसी तरह से अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। आँच को एकदम सिम पे ही रखेंगे। जितना हम सिम आँच पे इसको भूनेंगे उतने ही हमारे लड्डू ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और आपको अभी लग रहा होगा ये बिखरा बिखरा कि घी कम है, बाद में घी रिलीज करेगा, एकदम इतना घी सफिशियंट होता है इतने लड्डू बनाने के लिए। अभी थोड़ा चलाने में भी हार्ड लगेगा, फिर एकदम हमारी करछी लाइट लाइट घूमने लगेगी। देखिए अभी हमारा बेसन एकदम लाइट सा हो गया, अच्छे से करछी घूम पा रही है एकदम लाइट। बस इसी तरह से बस चलाते हुए भून लेंगे, बस मीडियम टू लो पे ही रखेंगे, ज़्यादा समय तो लो पे ही रखना है हमें गैस को। थोड़ा से 10 से 12 मिनट इसे लगेंगे इसी तरह से भूनने में, और बस बराबर चलाते रहें, 1 मिनट के लिए भी इसे ना छोड़ें। अब हमारे बेसन का कलर लगभग चेंज हो गया है काफ़ी जैसा हमें करना है, और अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। बस इसी तरह से चलाते रहेंगे, इस समय पे हमें काफ़ी ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा भुन जाएगा तो फिर बेसन कड़वा टेस्ट देने लगता है, हमारे लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाता है। देखिए अब लगभग हमारा बेसन भुन चुका है, थोड़ी भारी कढ़ाई है तो बाद में भी वो होगा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज। ये मैंने यहाँ पर अपने रोस्ट किए हुए मखाने डाल दिए, इनको मैंने इमाम जिस्ते में क्रश कर लिया है। चाहे तो आप पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, पर थोड़े से इस तरह से क्रश करके डालते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये यहाँ पर कुछ थोड़े से बादाम, इनको भी मैंने इसी तरह से इमाम जिस्ते में क्रश कर लिया है। मैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं।
अब मैंने गैस को एकदम बंद कर दिया है। बस इसको हम अगर इसी कढ़ाई में, वैसे तो इसी कढ़ाई में छोड़ना है हमें, इसे एक दो बार और चलाएंगे और अच्छा सा कलर हो जाएगा इसका, क्योंकि भारी है कढ़ाई हमारी। बहुत ज़्यादा गर्म में इसमें एकदम बूरा या चीनी ना मिलाएं, नहीं तो वो मेल्ट होता जाएगा, हमें ज़्यादा मीठा डालना पड़ेगा। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे इसमें मैं 300 ग्राम ही बूरा ऐड कर रही हूँ, जितना हमारा बेसन है उतना ही। और अगर लगेगा ये बिखरा बिखरा है तो हम इसमें थोड़ी सी चाशनी बनाकर, बिना तार वाली, उसका कोई झंझट नहीं है। आप आधा कप चीनी ले लें, आधा कप पानी डाल लें, चाशनी बना लें, उसको डाल डाल कर हम इसके लड्डू बना देंगे अगर बिखरा बिखरा लगेगा। और अगर आप इससे भी कम मीठा इसमें ऐड करना चाहते हैं तो फिर ये लड्डू ऐसे ही बन जाएंगे एकदम आराम से। और दोस्तों, बेसन के लड्डू तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप मेरे चैनल पर आज ही जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे भी दोस्तों, आप बाज़ार से कुछ ना कुछ तो ज़रूर खरीद कर लाते होंगे। फेस्टिवल के समय में आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, न्यूज़ में भी आता रहता है कि काफ़ी मिलावटी चीज़ें मिलती हैं। भले ही थोड़े से हमें घर में महंगे पड़े बनाने में ये मिठाइयाँ, लेकिन घर की मिठाइयाँ बनाई हुई तो एकदम बेस्ट होती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। देखिए, अभी बिल्कुल एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से। बस इसको इस तरह से बांध के देख लेंगे। अभी लग रहा है थोड़ा सा बिखरा बिखरा, तो हम इसमें थोड़ी सी चाशनी डालेंगे चीनी की। ये मैंने तार वार नहीं लिया है, बस जब इसमें चीनी मेल्ट हो गई उसके बाद एक दो मिनट और पकाया। एकदम ज़्यादा ना डाल दें, कभी गीला हो जाए थोड़ा सा डालें। और दोस्तों, यदि आपको ये लड्डू बहुत जल्दी से ही ख़त्म करने हैं तो आप चाशनी की जगह पर मलाई भी यूज कर सकते हैं थोड़ी सी बाद में। बस इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके हम लड्डू बनाएंगे। अब आपको जितने बड़े लड्डू भी बनाने हैं उतने ही बनाइए, इससे छोटे छोटे से ही लड्डू बनाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं। मुझे एक हाथ से लड्डू बांधना नहीं आता है दोस्तों, तो मैं इसलिए दोनों से बनाती हूँ। बस इस तरह से देखिए, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से चिकना कर ले, बस छोटे नींबू से थोड़ा सा बड़ा, बस इस साइज के एक लड्डू और मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। आप सारे लड्डू अपने इसी तरह से बस तैयार कर लेंगे फटाफट से। देखिए, हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। 40 से 42 लड्डू बने हैं। बस 300 ग्राम बेसन से मैंने इतने लड्डू तैयार कर लिए हैं, एकदम ड्राई फ्रूट से भरपूर, एकदम टेस्टी। तो दोस्तों, इस बार दीपावली पे ज़रूर बनाइए और गणपति बप्पा को भोग लगाइए इनका, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने फ्रेंड्स को खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।